तो केमिकल इक्विलिब्रियम वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज काफी अच्छा होता है। बेसिकली अगर आप लैंग्वेज वाइज बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, बट फॉर्मूला गिना चुना दो तीन चार है, और ली चैटेलेस प्रिंसिपल है जो हम लोग को सीखना होता है। बट कुछ कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, एक एक करके हम डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। पहला चीज, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। बहुत बेसिक चीज है, यहीं से इक्विलिब्रियम शुरू होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा। ऐसा मत सोचना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बराबर होगा। दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों का अमाउंट कांस्टेंट होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तीसरा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी गेट इक्वल टू जीरो है। ऑल दो में एक सजेशन देंगे याद रखने के लिए भी, डेल्टा एस भी इक्विलिब्रियम पे या किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू इक्वल टू जीरो होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। इससे एसोसिएटेड एक एडवांस लेवल का भी जब ये डिस्कशन करेंगे उसमें हम एक क्वेश्चन सिखाएंगे आप लोगों को, ग्राफिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नहीं सिखाना है, बेसिकली उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा जी और डेल्टा एस जीरो होने के एस्पेक्ट्स को लेके। दूसरा, Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। Q का मतलब हो गया रिएक्शन कोशेंट। किसी भी टाइम पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता है। अगर Q ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब रिएक्शन हम लोगों के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर Q लेस देन के इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन कहीं भी नहीं जाने वाला, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf अपॉन Kb, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने आपकी क्लास नोट्स में कराया भी था, चलो एक बार डिस्कशन कर लेते, शायद आपको याद होगा। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बेसिकली जो हम लोग रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, सो रेट कांस्टेंट वाले एस्पेक्ट में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन पुट अप कर सकते हैं। e पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी, अरे यार, e पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सो अगर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं तो ए एफ इंटू ई एफ अपॉन आर टी ले सकते हैं। सिमिलरली रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ अपॉन के बी लेते हैं, तो के एफ अपॉन के बी विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। सो ऐसा कुछ ले सकते हैं हम लोग, ए एफ अपॉन ए बी इंटू ई पर पावर माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। और यहाँ से जो ई ए एफ माइनस ई ए बी है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ऐसा हम लोगों ने काइनेटिक्स में भी डिस्कशन किया था, हीट ऑफ रिएक्शन इसी को बोलते हैं। सो हम लोग के एक्सप्रेशन में के एफ अपॉन के बी विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी को कुछ नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं, सी बोल देते हैं इसको, सी इंटू ई पर पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच को तो हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। खैर, इस पर डिस्कशन एक थर्मोडायनेमिक्स में होता है। अगर आपको ये डिस्कशन सीखना है तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, इसके ऊपर सवाल भी हम लोग को थोड़ा सॉल्व करने आना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन होता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, चलो ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, चलो ठीक है। केपी और केसी का रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी पर पावर डेल्टा एनजी, इस रिलेशन की बात कर रहे थे हम लोग। के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। अब हमेशा 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन रखा करते हैं, बाहर माइनस साइन रखते हैं। माइनस साइन रखने का एक पर्पस है, जब हम लोग ग्राफ का डिस्कशन करेंगे तो बाहर माइनस साइन होना ज्यादा सुटेबल है। सो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन। ये रिएक्शन का हम लोग एक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बीच का रिलेशन आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट आपको मालूम होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम ही चीज है केपी केसी के जैसा। अगर क्यूसी होगा तो फिर कंसंट्रेशन लेंगे, अगर क्यूपी होगा तो फिर प्रेशर लेके काम कर सकता है। तो इसके अलावा फिर हम लोगों का ये फॉर्मूला भी याद होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा जी से रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट। ये हम लोग
केमिकल इक्विलिब्रियम में तो नहीं पढ़े थे, बट थर्मोडायनेमिक्स के बाद इसी का एक डिस्कशन आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। एलएन के होता है नॉर्मल, लेकिन 2.303 का फैक्टर आ गया, सो हम लोग का एलएन लॉग में कन्वर्ट हो चुका है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू। इसके अलावा कुछ और पार्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम डिस्कशन में नहीं रखना प्रेफर कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, इस तरीके से इसको याद मत रखो, सिंपली ऐसा याद रखो, 10 मोल अगर रिएक्टेंट है डिसोसिएट करके प्रोडक्ट बना रहा, तो 10 मोल में मान लेते हैं 4 मोल खत्म हुआ, 6 बच जाएगा और प्रोडक्ट मान लेते हैं 4 बनेगा। सो 10 मोल में अगर 4 मोल खत्म हुआ तो एक में कितना खत्म होगा, तो एक में 0.4 खत्म होगा, सो दिस 0.4 विल बी कॉल्ड एज अल्फा। एक मोल में जितना पार्ट खत्म होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वही चीज हम लोग इससे मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं। सो जब भी एक मोल है जितना ही पार्ट खत्म होगा उसको हम लोग अल्फा के टर्म में लिख के आराम से रख सकते हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में छोटा सा फॉर्मूला है, काम का नहीं है, उसके बिना ही हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को। दूसरा, अगर हम लोग एक मोल में डिसोसिएशन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकल के आएगा। ये चीज हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सीखी थी, केमिकल में भी सीखी थी, मोटा मोटी इसको मालूम रखते हैं हम लोग। इसमें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, इसका एक अलग से डिस्कशन है, फॉर्मूला याद नहीं रखना, इससे एक छोटा सा डिस्कशन है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। नोट्स कॉपी में भी आपके दे रखा होगा, नोट्स कॉपी में ये रिलेशन निकाला गया होगा। इसके बाद लीच एट एल्स प्रिंसिपल, छोटा सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से लीच एट एल्स प्रिंसिपल का डिस्कशन तो नहीं करना चाहिए, लीच एट एल्स प्रिंसिपल सबको आता है, अगर नहीं आता है तो एक सजेशन देंगे हम, इस पार्ट को पढ़ लो, मतलब इसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया है इतना ही होता है लीच एट एल्स प्रिंसिपल, या नोट्स कॉपी पे कोई आप प्रेफर कर सकते हैं, सीधा उसको देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग के पार्ट में आएंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा लीच एट एल्स प्रिंसिपल क्या निकल के आता है। ये भी एक क्वेश्चन का एस्पेक्ट है, क्वेश्चन के थ्रू सीखे तो ज्यादा बेटर है, ये आप क्वेश्चन में सिखा देंगे। इसके अलावा वही है, वांट ऑफ इक्वेशन लॉग के टू अपॉन के वन, यहाँ पे के वन अपॉन के टू दे रखा है, सो लॉग के टू अपॉन के वन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T2 - 1/T1, से ऊपर वाला ही फॉर्मूला है उसी को हम लोग नीचे लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ इक्वेशन, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एन क्यू, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जैक्टली इसी तरह का एक्सप्रेशन आता है जिससे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन निकाला करते हैं। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ पी, मतलब एन एफ पी से लिख देते हैं, और दूसरा सॉरी माइनस एन एफ ई सेल, दूसरे वाले साइड में माइनस एन एफ ई, अब यहाँ पे एन एफ ई नॉट से लिख लेना होता है, उसके अलावा प्लस 2.303 समथिंग जो भी फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग ई सेल का फॉर्मूला या नर्स्ट इक्वेशन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो वहाँ पे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो इतना ही फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये तो ज्यादा याद रखना भी नहीं, अपने आप याद होता है, ऊपर में एक फॉर्मूला और है जो हम लोग डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। क्यू आपको याद होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का ही एक्सप्रेशन है, बस किसी भी रैंडम टाइम टी पे, जो ऊपर मैंने शायद डिस्कशन किया था, अगर Q ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, Q लेस देन के इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एक और पार्ट इसमें याद रखना, या तो शॉर्टकट समझ लो या जो समझना समझ सकते हैं, बेसिकली हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है कि रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दे रखा हो सकता है रिएक्टेंट बेसिकली ये क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में दे रखा हो सकता है रिएक्टेंट इन दोनों टर्म में ना दे करके प्रेशर के टर्म में दे रखा हो। तो जिस भी टर्म में रिएक्टेंट दिया है हम लोग उसके हिसाब से केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग का केपी का एक्सप्रेशन प्रेशर के टर्म में आता है, केसी का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में आता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, उन न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन या फिर ज्यादा ही होगा, ऑलमोस्ट 80% भी ले सकते हैं, 80% पार्ट हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दे रखा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में है तो आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, रेदर देन कि हम लोग केपी केसी में कंसंट्रेशन के वैल्यू को पुट करें।
सो जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, सी एंड डी पता है अगर, तो यहाँ से केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पर पावर कोफिशियंट सी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पर पावर कोफिशियंट डी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर पावर कोफिशियंट ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पर पावर कोफिशियंट बी होगा, और इसके अलावा पी टोटल अपॉन एन टोटल। ऑल दो इसमें लोग एक चीज मिस किया करते हैं, आते हैं उन लोग उस चीज पे, पी टोटल अपॉन एन टोटल पर पावर डेल्टा एन। इस एन टोटल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्लस अगर इनर्ट गैसेस हैं वो सारे की सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि इनर्ट गैस को हम लोग मिस करेंगे, इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम में यहाँ कहीं नहीं आएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में डेफिनेटली आता ही आता है। सो इस एक छोटे से पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनर्ट गैस को ऐड करके ही बनाया जाता है। दूसरा केपी की जगह हम लोग केसी की बात कर सकते हैं। सो केसी इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पर पावर सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पर पावर डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर पावर ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पर पावर बी इंटू वन अपॉन वी पर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या है? सो डेल्टा एन इज इक्वल टू कोफिशियंट का डिफरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सी एंड डी प्रोडक्ट के साइड का कोफिशियंट है, ए और बी रिएक्टेंट के साइड का कोफिशियंट है, सो प्रोडक्ट के कोफिशियंट का सम माइनस रिएक्टेंट के कोफिशियंट का सम, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। सॉलिड के लिए कंपोनेंट मत लेना, प्योर लिक्विड के लिए नहीं लेना, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हम लोग वन लेके चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला ही यूज करना होता है, इसलिए ये पार्ट आपको ज्यादा प्रिसाइजली याद होना चाहिए रेदर देन कि हम लोग केपी केसी में कंसंट्रेशन वाले पार्ट को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नॉर्मली इजी कंसिडर किया जाता है, लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब इंग्लिश के सेंस में क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत भारी इसमें निकल के नहीं आता है। फिर हम लोग के केमिकल इक्विलिब्रियम का छोटा सा डिस्कशन था, टॉपिक छोटा ही है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है करने को, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा सकते हैं। ली चटेलस प्रिंसिपल हम एक सजेशन देंगे, पढ़ के आओ तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। चलते हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पे। अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग तो असाइनमेंट में होगा ना कहीं, पढ़ाओ। एक मिनट रुक जाओ। कौन से पेज नंबर में है जिम के लिए, क्लियर में बता सकता है कोई? कौन से पेज नंबर में जिम के लिए क्लियर में चैप्टर है? शुरुआत में तो स्टोइकोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव पे बता देता हूँ। कौन सेकंड पार्ट के फिजिकल केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के पास। सेकंड पार्ट के फिजिकल केमिस्ट्री मतलब 60 पेज नंबर के अराउंड होना चाहिए शायद, 60। उसमें थर्ड चैप्टर है। गजब, केमिकल इक्विलिब्रियम थर्ड चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर, दिस इज गैसीय स्टेट एंड देन केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो गैसीय स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम। 71 से लेके 71 से लेके कितना क्वेश्चन है भाई इसमें? हमको लगा 30-35 क्वेश्चन होगा, बहुत है, तो 50 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। चलो बढ़िया है, तो 25 क्वेश्चन मेरा, 25 क्वेश्चन 26-27 क्वेश्चन तुम्हारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। बोलेगा सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 25 और 27 कहाँ से आ गया? 71 मेरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही चलता है, 71 से लेके 74। चलिए भाई शुरू किया जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन असाइनमेंट।
क्या जिंदगी में टाइम का बड़ा क्रंच हो गया है, असाइनमेंट बनाने का टाइम का भी क्रंच हो गया है, या फिर कभी ठंडा भी ठंडा का ही मौसम पड़ गया है, तो अगर बाई चांस टाइम मिलता है तो लगता है कि सो जाए, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तुम तो लोग को ऐसा लगता होगा ना कि सर पढ़ने का मन नहीं करता क्या? ऐसा होता है ना तुम तो लोगों के साथ भी कि सर ठंडे का मौसम बहुत ज्यादा है, इतने पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि आराम कर रहा है। क्या चलो भाई शुरू करें कार्यक्रम केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं अ सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए बी एंड, क्वेश्चन सॉल्विंग का बस तरीका देखने की कोशिश करना कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब ये ऐसा चैप्टर है एकदम छोटा सा कि ज्यादा इसमें कुछ सिखाने को नहीं है मेरे पास, हम आपको बस थोड़ा टेक्निक सिखा सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग होना किस तरीके से चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन करते वक्त क्या क्या चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी मोस्टली आपके स्किल के और प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेजेस किस किस तरीके से हो सकते हैं। करना वही तीन चार फॉर्मूला ही यूज है, केपी केसी, केपी केसी का रिलेशन, क्यू और एक टेम्परेचर का डिपेंडेंसी, वही चार पांच फॉर्मूले हैं। जो भी क्वेश्चन बनना यही पांच फॉर्मूले से बनना है। एक डेल्टा जी का फॉर्मूला यहाँ कंसिडर करना है, यहाँ सोच लो, थर्मोडायनेमिक्स में कंसिडर करना है, थर्मोडायनेमिक्स में सोच लो, तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको लैंग्वेजेस समझ में आने चाहिए किस तरह का लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब लैंग्वेज बोल क्या रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन में। थोड़ा पेशेंटली पढ़ने की कोशिश करो, ये चैप्टर भारी नहीं है, बट लर्निंग के लिए आपको क्वेश्चंस के 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के सेट थोड़े सुकून से सॉल्व करने पड़ेंगे टाइम लेके। एक बार जैसे ही सीख लिया कि अच्छा ये 50 लैंग्वेज होता है क्या, उसके बाद तो तुम धड़ाधड़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अ सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी अंडर इक्विलिब्रियम हैज अ मीन मोलर मास इक्वल टू 80, एवरेज मोलर मास 80 के बराबर है। चलो ठीक है, अ मिक्सचर है ए बी सी तीनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम इज ए गैस बी गैस सी गैस, ठीक है। If initially 4 moles of A gas is present, then the total number of moles at equilibrium is. So, पहला चीज, A का molar mass दे रखा, B का molar mass दे रखा, C का molar mass दे रखा. Average molar mass 80 के बराबर है. पहले तो average molar mass का formula मालूम होना चाहिए. N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3. इस टाइप से ले सकते हैं, क्योंकि तीन component है. शुरुआत में A का 4 mole है. जब यहाँ से कुछ part खत्म होगा, तो B का X बनेगा और C का भी X बनेगा, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। अब हम लोग को पता है कि A का X पार्ट खत्म हुआ, B का X और X बना, तो एवरेज मोलर मास 80 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ A 100 इनटू का नंबर ऑफ मोल्स है 4 माइनस X के बराबर। फिर उसके बाद मोलर मास ऑफ B 60, इसका वैल्यू है X के बराबर। फिर मोलर मास ऑफ C 40, इसका वैल्यू भी है X के बराबर। और जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो 4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ओवरऑल 4 प्लस एक्स आ रहा वैल्यू। सो अपना वैल्यू नीचे 4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ही लिख लेते हैं, सो 4 प्लस एक्स आ गया वैल्यू। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 320 माइनस 80x इज इक्वल टू 640 आ रहा है इधर वैल्यू, 104 मतलब 400 माइनस 100x, इसके अलावा 60 प्लस 40, तो 60 प्लस 40 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, 100x माइनस 100x कैंसिल आउट हो गया। तो अपने कैलकुलेशन में 80x को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, अरे नेगेटिव आंसर आ रहा है भाई, क्या गलती कर दी है। 400 माइनस 80x, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, 100 क्या हो गया, एक सेकंड रुक जा, अरे 320 इस 400 को इधर लेके आएंगे तो 320 माइनस 400 और सामने 80x चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा,
सब प्लस ए प्लस एक्स अच्छा इक्वल्स सॉरी सॉरी ऊपर सॉरी वो। सॉरी 80+x है यहाँ पे, हम माइनस लिख रखे उसको, सॉरी 80+x है ठीक है। तो दूसरे वाले साइड में माइनस ही साइन रहेगा तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। 80x इज इक्वल टू 400 माइनस 320 मतलब 80 आ रहा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है। सवाल में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4+x के बराबर था, x का वैल्यू 1 है मतलब टोटल 5 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का ज्यादा कोई सवाल है भी नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम तो केवल कहने को है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक नाम दे दिया, ओवरऑल मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं। इसको ऐसा एक और एंगल से फ्रेम कर सकते थे हम लोग क्वेश्चन को कि भाई ए से बी प्लस सी बन रहा, ए का 4 मोल है और रिएक्शन में 1 मोल खत्म हो जाता है ठीक है, या रिएक्शन में एक्स मोल खत्म हो जाता है, तो ये बताओ कि कितना टोटल मोल्स बन बचा हुआ है अभी। तो एक्स मोल जब खत्म होगा तो बी एक्स बनेगा, सी एक्स बनेगा, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करना है। सो इक्वेशन एवरेज मोलर मास का है, इसमें लाइक इक्विलिब्रियम जैसा कोई चीज है ही नहीं, केवल कहने को है कि हाँ इक्विलिब्रियम है, आसानी इक्विलिब्रियम ऐड करने से थोड़ा समझ पाए कि इक्विलिब्रियम कैसे सोचना है हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड दे रखा, सॉलिड दे रखा, अच्छा हाँ ये सब चीजों को एकदम हाईलाइट करके चलना है, लेकिन ऑल दो ऑनलाइन एग्जाम में तो हाईलाइट भी नहीं कर सकते, बट आपको ध्यान रखना है सबसे पहले फिजिकल स्टेट जरूर देखना। सो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड सॉलिड दे रखा एट इक्विलिब्रियम इन द एबव केस, ए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सी मोल्स ऑफ CO2 आर फाउंड ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मोल्स ऑफ CO3 विल डिक्रीज विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस का एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन दिया, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सो पहला चीज जो हम लोग का केपी का एक्सप्रेशन है उसमें ऐसा सोच के देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर पावर कुछ कोफिशियंट है, उस पावर को भी लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट केवल समझने के लिए, कोफिशियंट तो होगा डेफिनेटली बट केवल समझने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल पर पावर डेल्टा एन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने का मतलब P टोटल सेम रहना है, इसको चेंज नहीं कर रहा है, बट अगर आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो इसमें एक केस हो सकता है, डेल्टा एन जीरो है, अगर डेल्टा एन जीरो है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास सॉलिड सॉलिड और गैस दे रखा, जो डेल्टा एन का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू या डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो ये जो केपी का वैल्यू है डिस्टर्ब होगा, जैसे ही ये डिस्टर्ब होगा ये तुरंत क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, मान लो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले पार्ट में कि हम लोग को प्रेशर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और आर तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इनर्ट गैस ऐड किया, सो इनर्ट गैस ऐड करने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो एक छोटा सा केस याद रखना, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम वाले पार्ट में अब अगर हम लोग एकदम से एक्सपेंशन कर देते हैं इस गैस को या इस पिस्टन को उठा दिए, तो सीधी सी बात है ऐसा सोचना कि शुरू में जहां तक रिएक्टेंट है वहीं तक रहेगा, अब एकदम से उसको जो खाली जगह मिल गया, ये जो खाली जगह मिला, इस खाली जगह क्या करेगा, तो इस खाली जगह को भरने के लिए अपने को ज्यादा रिएक्टेंट चाहिए होगा, अगर ज्यादा रिएक्टेंट चाहिए होगा मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे एकदम से वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां ज्यादा मोल्स मिलते हों, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने का मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड दे रखा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड दे रखा और CO2 गैस दे रखा, जब हम लोग रिएक्शन में आगे की तरफ जाएंगे तो गैस का पार्टिकल बढ़ेगा, अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर गैस का पार्टिकल कम होगा। सो जैसे ही हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम लोग का रिएक्शन उधर जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, बट सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसे भी, प्योर लिक्विड का भी मतलब नहीं है। सो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ ज्यादा गैसियस पार्टिकल्स मिलते हों, क्योंकि खाली जगह को भरने के लिए अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा चाहिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड है N2 प्लस 3H2, सारे गैसेस कंपोनेंट है 2NH3, फिर से वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो उस खाली जगह को भरने के लिए ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए, अगर आगे जाएंगे
तो 1 मोल 3 मोल्स रिएक्शन करके 2 बना रहा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। अगर पीछे जाएंगे तो 2 मोल खत्म होके 3 + 1 मतलब 4 मोल बना रहा, तो बैकवर्ड जाने पे ज्यादा गैसेस मोल्स मिल रहा है। मतलब अगर इस रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपली उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा जहां ज्यादा गैसियस मोल्स मिलते हों। अब हम लोग आते हैं ऊपर वाले अपने सिचुएशन पे। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर ऐड किया तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाता है, जहां ज्यादा गैसियस मोल्स मिलते हों। तो एक तो इनर्ट गैस थोड़ा सा ऐड हो रहा है, बट उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग को एडिशनल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ रहा है, और क्योंकि एडिशनल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा तो रिएक्शन को फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल डिक्रीज विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट घटेगा, यही ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, रॉन्ग पूछा है यहाँ पे। सो रॉन्ग वाले पार्ट का मतलब आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लाइट चला गया है थोड़ा, 1 मिनट वेट कर लो।